जय भीम साथियों, एंटी कास्ट रैप सॉन्ग्स लिखने वाले प्रख्यात युवा कलाकार सुमित सामोस ने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई इंग्लैंड की प्रख्यात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करने के लिए केवल 3 घंटों में क्राउड फंडिंग के जरिए 27 लाख ज़्यादा की ट्यूशन राशि जमा करी और अन्य 10 लाख वहाँ रहने के खर्च के लिए। ये एक रिकॉर्ड है, माइलस्टोन है बहुजन समाज के लिए। इस तरह से लोगों का सहयोग करने के लिए सामने आना, खासकर एंटी कास्ट एक्टिविस्ट ने काफ़ी इसे शेयर किया सोशल मीडिया पर। कुल मिलाकर कुछ ही घंटों में 37 लाख रुपए जमा कर पाए सुमित, जो उनकी ट्यूशन फी और अन्य खर्चों में इस्तेमाल होगा। ओडिशा के कोरापुट जिले में एक दलित ईसाई परिवार में जन्मे सुमित ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। जाति से जुड़े मुद्दों पर रैप गाने परफॉर्म करते आए हैं, जैसे कि लड़ाई सीख ले। इस क्राउड फंडिंग पर सुमित ने हमसे खास बातचीत करी। I was not definitely I was not expecting you know that kind of a response in 3 to 4 hours. मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ 20-30 दिन लग जाएंगे like इतना पैसा रेज करने के लिए। तो पैसा जब इतना सारा एक साथ रेज हो गया within 3 to 4 hours, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा पैसा एक साथ आ गया। एंड आई वॉन्टेड टू कॉन्टेक्ट मिलाप टू फाइंड आउट whether it was true. Well, it had really happened. Right. And my friends started texting me. They said that ki aisa kabhi nahi hua hai kisi ke fundraise ke saath. They said. True. And so, yes. But there was also mixed emotions I had. Yeah. One was, of course, I was very joyful. I was very happy. Kyunki, especially when you come from a small village in Orissa, this kind of news make it very big in my part. क्योंकि वहां से तो कोई निकला ही नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटीज के लिए तो कोई निकला ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है, उनको लगता है। एंड एवरीबॉडी केम टू मीट मी, लोग कॉल करने लगे मुझे फोन पे। तो दैट वाज वन वेरी हैप्पी थिंग। अदर साइड आई थिंक दे आल्सो हेट मैसेजेस, वो भी था। अच्छा, लोगों का तो देयर वाज ट्रोलिंग एज वेल। या ट्रोलिंग उतना ज्यादा नहीं था, बट देयर वाज कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि इतना पैसा लेके क्यों बाहर पढ़ने जा रहे हो, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे हो। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये तो मतलब भीख मांग रहे हो तुम। हाँ, अगर इतना ही मतलब अगर पढ़ना है तो खुद के पैसे से क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों दूसरे से मांग रहे हो पैसा। और कुछ लोग ऐसे मैसेज किए कि तुम अपना दलित कार्ड खेल रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए। जो मुझे बहुत बुरा फील इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वो मिलाप फंडरेज में दलित शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने कहीं लिखा ही नहीं कि मैं दलित हूँ। मैंने बस ये लिखा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कास्ट के ऊपर काम किया हूँ और फिर रैप करता हूँ, और ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है, इसके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ, अगर आपको सपोर्ट करना है तो जरूर कीजिए। मैंने वही बस लिखा था, मैंने दलित वर्ड यूज भी नहीं किया। तो ये सब हुआ और कुछ लोग तो ऐसे बोले कि ये you know ye logo ko you're fooling people, you know you're fooling people kyunki you know this is like a first world university, tum ja rahe ho wahan pe aur you know aisa nahi ki tum wahan pe jaake kuch bahut bada change kar doge, kya change karoge humko batao pehle, you know this sort of thing. There was moral burden on me, to which kind of felt sad. I was worried, but maine realize kiya ki you know this was going to come anyway. सुमित को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिलने के बाद कोर्स के लिए स्कॉलरशिप पाने में मुश्किल हुई क्योंकि सरकारी नियम काफ़ी कठोर हैं। सुमित अपनी दूसरी मास्टर्स की डिग्री के लिए ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, जिसकी स्कॉलरशिप दूसरी मास्टर्स डिग्री की स्कॉलरशिप सरकार नहीं देती। उन्होंने कई और जगह भी लोगों से बात करी, कोशिश करी, पर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। इतनी भारी रकम थी तो सुमित को दिखा कि उनका सपना चकनाचूर हो सकता है, पर जब उन्होंने सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग की अपील करी तो समाज से उन्हें गजब का रिस्पांस मिला। स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था कुछ, लेकिन कोई स्कॉलरशिप्स में मेरा एज क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा था। मेरा 26 इयर्स के ऊपर हो गया था मैं, और कुछ मैं क्योंकि मेरा सेकंड मास्टर्स था इसलिए उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ऐसे भी एक सिचुएशन आ गया कि ऑक्सफोर्ड ने मेरा कंडीशनल ऑफर लेटर अनकंडीशनल करने के लिए डिपार्टमेंट ने थोड़ा टाइम लगा दिया, और उसके बीच में इन द मैटर ऑफ 2 मंथ्स
मैं कुछ कुछ स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उनको अनकंडीशनल ऑफर लेटर चाहिए था. Right. हाँ, पर मैंने फाइनली ओडिशा गवर्नमेंट को रीच आउट किया, मैंने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को लिखा मैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट के एमपी को लिखा मैं, लेकिन किसी से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया मुझे, किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया. और उसके बाद मैंने एक कोई ब्यूरोक्रेट से बात किया चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से और कोई अंडर सेक्रेटरी से बात किया, तो उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया कि पहले तो अश्योरेंस दिया कि फीस हो जाएगा तुम्हारा कवर्ड, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि पूरा फीस नहीं भी होगा तो एटलीस्ट कोर्स फीस तुम्हारा पे कर देंगे हम. ये तो उन्होंने बोला था. और ये भी बोला कि तुम्हारा फाइल ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, तुम बैंक अकाउंट खोल लो, SBI बैंक अकाउंट, उसमें पैसे आएंगे तुम्हारे. इट्स इन रिटन, ये रिटन मैसेज है मेरे पास. बस पर लास्ट में लाइक आफ्टर 4 वीक्स दे आर सेइंग कि नहीं मिलेगा तुम्हें क्योंकि तुम सेकंड मास्टर्स कर रहे हो, क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है. तो पहले हाँ करके फिर बाद में मुकर गए. हाँ, फिर ये बोले कि ओडिशा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा क्योंकि इतना ज्यादा पैसा है अमाउंट. तो वन थिंग, एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने जब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया तभी उनको पता चल गया कि मैं सेकंड मास्टर्स कर रहा हूँ 4 हफ्ते पहले. ये बहुजन समाज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, कैसे इतने थोड़े से समय में इतनी राशि रेस करके एक छात्र को पढ़ाई के लिए फौरन भेजा. शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है उत्थान के लिए, बाबा साहेब का कहना था एडुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज. तो ऐसे ही बहुजन समाज के छात्र हो या मीडिया या पत्रकार या अन्य किसी भी फील्ड के हों, समाज को उनका आर्थिक तरीके से सहयोग और समर्थन देना बेहद जरूरी है. पहला तो ये है कि यू नो दलित बहुजन स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका लाइफ ही इतना डिफिकल्ट है, तो वो सही टाइम पर कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, किसी के पास आइडियाज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है. तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स तो है, लेकिन गवर्नमेंट को इसको इंक्रीज करना चाहिए. जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर गिविंग एवरी ईयर स्कॉलरशिप्स, उसको इंक्रीज करना चाहिए. इट्स जस्ट 100 पीपल, राइट? दे हैव टू इंक्रीज इट. और मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि देखो, डोंट हेजिटेट टू क्राउड फंड अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास. दैट्स द रियलिटी, इट्स नॉट प्लेइंग विक्टिम कार्ड. पैसा नहीं है तो नहीं है, लेकिन पढ़ने का मन है. यू नो, ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट भी फंड कर रही है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के थ्रू, वो भी तो तुम्हारा खुद का पैसा नहीं है ना, वो भी पब्लिक मनी है, राइट? एट द एंड, तो यू नो यू डोंट हैव टू थिंक कि तुम विक्टिम बन रहे हो या फिर कुछ दिस थिंग. ऑफ कोर्स वो एक क्वेश्चन लोग पूछेंगे तुम्हें, मौकरी वैसे भी होते रहता है दलित बहुजन स्टूडेंट को, तो मतलब कोई भी मजाक उड़ाता है वैसे भी यूनिवर्सिटीज में, तो ये सब होगा. उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है. यू नो इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 वीक्स लोग बोलेंगे, फिर उसके बाद तुम चले जाओगे बाहर पढ़ने के लिए. एक चीज तो है कि ऑफकोर्स मुझे MSc करके PhD करना है, मुझे डेफिनेटली वो करूंगा मैं. लेकिन PhD करने के बाद मेरा एक गोल है कि मैं ओडिशा आना चाहता हूँ. और ओडिशा में हम लोग का एक एसोसिएशन है, उसका नाम है साउथ ओडिशा यूथ एसोसिएशन. यहाँ पे चार डिस्ट्रिक्ट्स में है ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे साउथ ओडिशा में. तो इसके थ्रू हम लोग ये करना चाहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, जो कि SC ST OBC स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग दे 12th के बाद. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 12th के बाद कोई ओडिशा पुलिस के लिए ट्राई करता है, कोई जो शिक्षा सहायक बोलते हैं यहाँ पे असिस्टेंट टीचिंग 1500-2000 रुपए मिलता है उसके लिए ट्राई करते हैं. तो ऑप्शंस नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास. तो आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स दैट. और लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है अभी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, SC ST OBC लोग हैं जो कि मुझे रीच आउट कर रहे हैं, बोल रहे कि सुमित ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा साउथ ओडिशा में. तो लाइक आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स दैट डेफिनेटली. तो ये थे सुमित सामोस, प्रख्यात एंटीकास्ट रैपर. ये बहुजन स्टूडेंट्स के लिए, SC ST OBC समाज के स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. आप भी ज़रूर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए अगर नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है सरकारें कैसी होती हैं. तो आप भी क्राउड फंडिंग ज़रूर करिए और बहुजन समाज को, सबको भी, जो भी एंटी कास्ट हैं, अम्बेडकराइट हैं, सबको ज़रूर छात्रों की, मीडिया की, फील्ड्स की, सब में समर्थन ज़रूर देना चाहिए. आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन, ये खुशखबरी शेयर ज़रूर
कीजिए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।